सर्दियाँ आ गई है और हमारी स्किन रूखी सूखी बेजान होना शुरू हो गई है। एंड आई नो आप सभी अपने बेजान स्किन में नई जान डालने के लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहे होंगे। देखो आपने सोचा और मैं आ गई एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो टू ऑल माई ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। सो आज मैं आपके साथ एक विटामिन सी फेशियल शेयर करूंगी, जिसको आप बहुत आसानी से घर की चीज़ों से घर पर कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए, और इस विंटर्स में भी अपने स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं। इस फेशियल में हम टोटल 4 स्टेप करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेस रेडी कर लेते हैं, जिसको हम इस फेशियल के 4 स्टेप में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें एक ऑरेंज चाहिए होगा। ऑरेंज विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। आप इसको रोज़ाना अपने डाइट में भी ज़रूर शामिल करें, ताकि आपको इंटरनली भी विटामिन सी मिलते रहे। तो हमें एक ऑरेंज के छिलके को नाइफ़ की हेल्प से काट लेना है। हमें ये वाइट पार्ट नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर हमें उसे क्यों लेना। हमें बस ऊपर का छिलका ले लेना है। ऑरेंज पील में सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं, जो आपके स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करते हैं, सन टैन को रिमूव करते हैं। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसके कारण ये पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और स्कार्स को भी रिड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर हम एक ऑरेंज के पील को ले लेंगे और हाफ ऑरेंज भी ले लेंगे। इन दोनों को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसको छान लेंगे। ये जो छान के हमारा ऑरेंज का पील बचा है, इसको हमें नहीं फेंकना है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये जो हमने छाना है, उसके बाद हमें ये कितना क्रीमी सा विटामिन सी का बेस मिल गया है। अब हम इससे फेशियल को स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, जो कि है क्लिंजिंग। आपको इस क्लिंजिंग से पहले अपने फेस को फेस वॉश से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद इस फेशियल क्लिंजिंग से हम अपने पोर्स की डीप क्लिंजिंग करेंगे। तो इस फेशियल क्लिंजिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो दूध है वही ले लीजिए, बस वो दूध ठंडा होना चाहिए। 1 चम्मच दूध लेने के बाद उसमें 1 से 1.5 चम्मच ये ऑरेंज का बेस डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बहुत बढ़िया सा क्लिंजिंग मिल्क बनकर रेडी है। इसको कॉटन के हेल्प से अपने पूरे फेस पर लगाएंगे और 1 से 2 मिनट तक प्रॉपरली मसाज करेंगे, ताकि फेस अच्छे से नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाए। 1 से 2 मिनट तक इसी कॉटन के हेल्प से इसको अच्छे से मसाज करेंगे, उसके बाद इसको पोंछ लेंगे या फिर फेस को धो लेंगे। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो है स्क्रबिंग। इस स्क्रब को बनाने के लिए हमने जो ऑरेंज पील को छान कर रखा था उसको ले लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें विटामिन B3 एंड क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, एक्ने को प्रिवेंट करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके स्किन को लाइटन करता है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच राइस फ्लावर डालेंगे। राइस फ्लावर में स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सन टैन को रिमूव करती है, आपके चेहरे पर से एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करती है, और आपके स्किन से सारे डर्ट को बाहर निकाल के आपके स्किन को एकदम ब्राइट ग्लोइंग दिखाती है। सो इसका भी 1 चम्मच ले लेंगे। और लास्ट में इसमें 1 से 1.5 चम्मच ये ऑरेंज का जो बेस हमने बनाया है वो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा होममेड विटामिन सी स्क्रब बनकर रेडी है। इसको अपने पूरे फेस पर लगाकर 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करेंगे, उसके बाद फेस को धो लेंगे। ये स्क्रब आपके स्किन से सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा। आप इस स्क्रब के बाद जब अपना फेस छुओगे तो आपको आपकी स्किन बिल्कुल बेबी जैसी सॉफ्ट लगने लगेगी। हमारी स्क्रबिंग हो गई है। अब नेक्स्ट हम 3rd स्टेप में एक बहुत बढ़िया सा मसाज जेल बनाएंगे। किसी भी फेशियल के लिए मसाज सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ये आपके स्किन पर बहुत बढ़िया सा ग्लो लाने का काम करता है। सो इसको बनाने के लिए अगेन हम ले लेंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑरेंज का बेस। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसके जगह पे कोकोनट ऑयल या तो फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं।
थर्ड इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल और लास्ट इसमें एक चम्मच हनी यानी कि शहद डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत बढ़िया सा मसाज जेल बनकर रेडी है। इस जेल को अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। इसको अपने पूरे स्किन पर अब्सॉर्ब करानी है तो इस मसाज जेल से आपको 7 से 8 मिनट तक मसाज करनी है। सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद आपको अपवर्ड मोशन में मसाज करना है ताकि आपके स्किन में जो भी फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं वो रिड्यूस हो। जैसे जैसे मैं मसाज कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही मसाज करिए ताकि आपके फेस पर बहुत बढ़िया सा ग्लो आ सके। सात से आठ मिनट तक मसाज करने के बाद ये मसाज जेल आपके स्किन में पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद हम इस पे फेस पैक लगाएंगे। आपको मसाज के बाद फेस नहीं धोना है, इसी के ऊपर फेस पैक लगाना है। सो फेस पैक बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस ये बचा हुआ ऑरेंज का बेस ले लेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर ऐड कर देंगे। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सुपर अमेजिंग स्किन ब्राइटनिंग फेस मास्क बनकर रेडी है। इसको अपने पूरे फेस पर, नेक पर अप्लाई करेंगे और 15 मिनट तक इसको सूखने देंगे। जब ये अच्छे से सूख जाए तब इसको पानी से धो लेंगे। उसके बाद अपने फेस को सुखा लेंगे और फिर उसमें एलोवेरा जेल लगा लेंगे। आपको इस फेशियल के बाद अपनी स्किन में गजब का निखार नज़र आने वाला है, सो आप इस फेशियल को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आप कोई भी फेशियल करिए उसके नेक्स्ट डे आप फेस वॉश बिल्कुल यूज़ मत करिए। एटलीस्ट एक दिन आप अपने फेस पर कुछ मत लगाइए, तब आपके फेस पर उस फेशियल का गजब का निखार आएगा। आप इस फेशियल को वीकली कर सकते हैं और पार्लर जैसा निखार घर पर बिना पैसे खर्च किए पा सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।